नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पांच ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बताने जा रहा हूं जिनकी डिमांड सारा साल बनी रहती है और जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यानी कि जो आपने माल खरीदना है वो आपको बहुत ही सस्ता मिल जाता है और आपने जो माल बेचना है उसके अंदर आपको प्रॉफिट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा, मैं आपको पाँच अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ बताने जा रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो और बिजनेस आइडियाज़ अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके द्वारा दिए गए लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं इसी तरह के बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ लेकर आने के लिए। और अगर आप इसी तरह के बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो इस वीडियो को और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, तो बढ़ते हैं हमारे पहले बिजनेस आइडिया की तरफ। तो दोस्तों जब भी हम कपड़ों की बात करते हैं, गारमेंट्स के बिजनेस की बात करते हैं, तो उसके अंदर अगर आप लेडीज़ कपड़ों का बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि लेडीज़ को वैसे भी शॉपिंग करने की बहुत ज़्यादा शौक होता है शॉपिंग करने का, और दूसरी बात यह होती है कि इसके अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा मिल जाता है, और तीसरी बात यह है कि इसके अंदर आपको इन कपड़ों के अंदर लेडीज़ कपड़ों के अंदर आपको बहुत सारी वेराइटी मिल जाती है। तो अगर आप एक लेडीज़ कपड़ों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्पेशली आप साड़ी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके बारे में दोस्तों मैं पहले ही एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आप कहाँ से माल खरीद सकते हैं, किस तरीके से आप बाय कोरियर मंगा सकते हैं, और आपको मैं बता दूँ आप 60 रुपये की पर साड़ी के पीस के हिसाब से भी आप सामान मंगा सकते हैं और आप 1000 रुपये से भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप लेडीज़ कपड़ों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इस वीडियो के एंड में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और अच्छे तरीके से जान लीजिएगा कि आप किस तरीके से लेडीज़ कपड़ों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो बिजनेस आइडिया है वो है कॉस्मेटिक शॉप बिजनेस आइडिया। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको लेडीज जेंट्स और बच्चों के अलग अलग तरह के सैकड़ों प्रोडक्ट मिल जाएंगे और इसके अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों इसके अंदर आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी जिसके अंदर आप प्रोडक्ट को अपनी शॉप पर रख सकते हैं, जैसे कि लेडीज़ की ब्यूटी प्रोडक्ट अलग होते हैं और स्किन केयर प्रोडक्ट अलग होते हैं, हेल्थ हेयर केयर प्रोडक्ट अलग होते हैं, इसी तरह से जेंट्स के भी अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं और बच्चों के भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। दोस्तों इसके बारे में भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की एंड में आपको दे दूँगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आप बहुत अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि आप किस तरीके से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो है इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज बिजनेस। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक शहर में हर एक गांव में कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, और कंस्ट्रक्शन के काम के बाद उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग की का काम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज की थोड़ी बहुत ही नॉलेज है तो आप इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज की शॉप शुरू कर सकते हैं, इसके अंदर आपको ढेरों सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का भी सामान आप अपनी शॉप पर रख सकते हैं। तो दोस्तों इस शॉप के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा, क्योंकि अलग अलग तरह की एक्सेसरी पर अलग अलग तरह का प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो आप इस बिजनेस को भी जरूर शुरू कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है वो है स्टेशनरी शॉप बिजनेस। दोस्तों स्टेशनरी शॉप बिजनेस के अंदर आपको अलग अलग तरह की स्टेशनरी मिल जाएगी, जैसे कि स्कूल स्टूडेंट्स की अलग से स्टेशनरी है, कॉलेज स्टूडेंट की स्टेशनरी है, और ऑफिस स्टेशनरी अलग से होती है। तो दोस्तों आप अपनी शॉप पर सभी तरह की स्टेशनरी रख सकते हैं, इसके अलावा आप अपनी शॉप पर स्पोर्ट्स का सामान भी रख सकते हैं। तो इसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा, आप बहुत ही कम कीमत में आप स्टेशनरी खरीद सकते हैं और उसको अच्छी दाम पर अच्छी कीमत पर बेच सकती हैं। तो इस बिजनेस को भी आप कर सकते हैं अगर आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन चाहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज या फिर आप कह लीजिए कि मोबाइल एक्सेसरीज, तो आपको ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, बहुत सारी मोबाइल से रिलेटेड एक्सेसरीज मिल जाती हैं जिनकी सारा साल डिमांड बनी रहती है। तो आप एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज की शॉप शुरू कर सकते हैं, और इसी के साथ अगर आप मोबाइल फ़ोन शॉप भी शुरू करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं बहुत डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आपको अलग अलग तरह की मोबाइल एक्सेसरीज मिल जाती हैं, और जो मोबाइल एक्सेसरी है बहुत ही कम कीमत में आपको मिल जाती हैं, इसको कि आप बहुत ही अच्छे कीमत पर बेच सकते हैं। तो इसके अंदर भी प्रॉफिट मार्जिन आपको बहुत ही अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस शॉप में अपने साथ कंप्यूटर एक्सेसरीज भी रख सकते हैं, तो शॉप को और भी अच्छा बनाने के लिए आप, इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज की रिपेयर कर लेते हैं तो आप और भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे बिजनेस आइडियाज़ बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इसी तरह के बहुत सारे बिजनेस आइडियाज देखने के लिए हमारे चैनल स्किल टीचर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए स्किल टीचर। नमस्कार।